नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के अहराला थाना क्षेत्र के पास गांव के रहने वाले मौर्य दंपति हत्याकांड में अनाथ बच्ची मुआवजा की मांग को लेकर करीब डेढ़ माह से अम्बेडकर पार्क में धरने पर बैठे थे। आज बच्चों, परिजनों व समाज सेवी संगठन ने जुलूस निकाला तो डीएम कार्यालय पर पुलिस के साथ बहस भी हुई। पीड़ितों ने कहा कि केवल अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं। अराला थाना क्षेत्र के पास गांव निवासी इंद्रपाल मौर्य व उनकी पति शकुंतला मौर्य का शव 16 जून को अंबारी कॉलेज के पास मिला था। इसी घटना में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन बच्चे व परिजन उचित कार्रवाई व मुआवजे की मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे थे। बच्ची पिछले 47 दिन डीएम कार्यालय के सामने धरना दे रहे थे। आज बच्चों, परिजनों और समाज सेवी संगठनों ने जुलूस निकाला तो डीएम कार्यालय के पास परिजनों व एसपी ग्रामीण ने गर्मा गर्म बहस हुई। इस दौरान अनाथ बच्चों ने कहा कि अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी ग्रामीण राहुल रुसिया ने बताया कि परिजनों को शनिवार को ऑफिस में बुलाया गया है। पुलिस पहले दिन से लेकर अब तक जो जो कार्रवाई की है उसमें अवगत कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि केवल नामजद से कोई मुलजिम नहीं हो सकता, आरोपियों से कई राउंड की पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि हत्याकांड के सही खुलासे के लिए जांच अब भी जारी है। हमेशा पुलिस प्रशासन हमको आश्वासन ही दिया है, आज भी वो हमें आश्वासन ही दे रहे हैं कि 15 दिन में खुलासा कर देंगे, लेकिन पिछले 5.5 महीने से ये आश्वासन ही दे रहे हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दो लोग की गिरफ्तारी, वो भी 2 महीने पहले हो चुकी है, अभी तक उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 2 महीने से वो लोग हैं जेल में, उसके बाद भी तो कोई कार्रवाई करनी चाहिए, फिर भी नहीं। पुलिस का कहना है कि बराबर वो काम कर रहे हैं, हर तरह की पूछताछ की जा रही है, लोगों से जितने भी संभावित हैं संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ, आप लोग उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट हैं, क्योंकि हम लोग को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हम लोग 5.5 महीने से यहीं पे हैं और कोई भी संतुष्टि हमें नहीं मिल रही है पुलिस प्रशासन द्वारा। तो सर ने आपको कल बुलाया, कल आप लोग जाएंगे, प्रतिनिधिमंडल आ जाएगा आपका? जी, हम लोग यहीं पे रहेंगे, 24 घंटा वेट करेंगे, फिर हम लोग 10 बजे यहीं पे मिलेंगे, यहीं पे हम लोग बैठे रहेंगे 24 घंटे। सर आज क्या आश्वासन दिया गया है? आज इन लोगों को समझाया गया है कि इसमें 2 गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी है, उसके क्रम में शीघ्र ही गिरफ्तारियां कर ली जाएंगी। इन लोगों के द्वारा अभी तक की विवेचना से असंतुष्टि जाहिर करी गई है, तो इन लोगों को बताया गया कि 3-4 लोग जो समझदार हैं कल ऑफिस में आ जाएं। अब पहले दिन से लेकर पुलिस ने अभी तक 5.5-6 महीने जो जो कार्रवाई की है, किन किन के बयान लिए, किन किन के बयान रिकॉर्ड करे, किन किन की पूछताछ करी, सारी चीज़ लिखा पड़ी में, और सर्वेलेंस से क्या हमने रिकॉर्ड करा, CDR से क्या हमने करा, एक एक चीज़ इन लोगों को बताई जाएगी, ताकि ये लोग आश्वस्त हो सके कि हाँ वास्तव में 5.5 महीने में पुलिस ने 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ करी, 40 से ज़्यादा लोगों से कई राउंड में पूछताछ करी, कितने लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया, कितने लोगों का नार्को टेस्ट कराया, कितनी स्पेशल टीमें इसमें लगी, ये सब चीज़ ये लोग अवगत हो सकेंगे। तो मुझे लगता है इससे इनका भरोसा बढ़ेगा और इनको आश्वस्त करा गया कि इसमें शीघ्र ही कार्रवाई कर दी जाएगी। इनके द्वारा ये भी मुझे बताया गया कि सर इसमें 1-2 टीमें स्वतंत्र रूप से और बढ़ा दी जाए, ताकि जल्दी इसमें जो है और गिरफ्तारी हो सके। तो बिल्कुल से आज से ही टीम बढ़ा दी जाएगी, एक स्वतंत्र प्रभारी के रूप में इंस्पेक्टर सस्पेक्टर रहेंगे, जो किसी भी केस में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, केवल इसी केस को वर्कआउट करेंगे। इसके अलावा इसमें ये भी कर दिया जाएगा कि SP साहब के महोदय से आदेश से सुराग रसी पतारसी करने वाले या कोई हुलिया बताने वाले संबंधित कोई व्यक्ति के इनाम की राशि को भी समय से बढ़ा दिया जाए। मेरे द्वारा ये भी बताया गया कि 4-5 लोग चाहें तो कल SP साहब के समक्ष अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं। नामजद लोगों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई? पुलिस के द्वारा नामजद लोगों से कई राउंड में कई बार पूछताछ करी गई, केवल नामजदगी हो जाने से ही कोई मुलजिम नहीं हो जाता, उसके साथ बहुत सारा साथ संकलन होना चाहिए। इस जिले में पहली भी ऐसी घटना हुई है जिसमें नामजदगी गलत पाई गई, दूसरे मुलजिम प्रकाश में पाए गए। नामजद मुलजिम को जेल भेजना पुलिस के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन घटना का सही खुलासा बहुत जरूरी है। पता चला आपने नामजद गलत मुलजिम को भेज दिया, असली मुलजिम बच गया, पता चला दूसरी घटना कारित कर दी, तो घटना का सही खुलासा सही अनावरण जरूरी है। 2 मुलजिम इसमें जेल में पहले जा चुके हैं, उनका पुलिस के द्वारा रिमांड का प्रयास किया गया, रिमांड नहीं मिला। जब वो जेल से आएंगे उनसे उसकी कड़ी पूछताछ करी जाएगी, लेकिन इसी बीच पुलिस द्वारा हर तरीके से इसमें प्रयास करा जा रहा है। इसमें पूरी सर्विलेंस टीम, हमारी स्वाट टीम, थाना प्रभारी, CO बोडनपुर, इवन मेरे द्वारा भी इसमें लगातार निगरानी करी जा रही है। इसमें भी आरोप है सर कि पुलिस दबाव में काम कर रही है, इन लोगों के द्वारा इस तरह का कहा जा रहा है, लेकिन इस तरह के ना कोई साक्ष्य है ना कुछ है। मैं 2 महीने से यहाँ हूँ, किसी प्रकार कोई दबाव नहीं है, बहुत सारी घटनाओं का खुलासा हुआ है, बहुत सारी घटनाएं कुछ देर में खुलासा होती है, लेकिन घटना का सही खुलासा जारी रहेगा और पुलिस शीघ्र इसमें गिरफ्तारी कर लिया। तो बच्चों से भी और उनके समर्थकों से यही अनुरोध करा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं करें, लेकिन पुलिस किसी दबाव में काम नहीं कर रही, शीघ्र इसमें गिरफ्तारी
होगी, पूरा शीघ्र खुलासा होगा। कितना समय से मांगा गया आपको? देखिए समय मैंने पिछली बार ही मांगा था, उस समय अवधि के अंदर नहीं हो सका, ये भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हो पाई है ना, इसका मुझे खेद रहा। फिर इनसे ज़्यादा समय मांगा जा रहा है, इनके द्वारा जताया जा रहा है कि साहब विवेचना ढंग से नहीं हो रही है, लोगों को पकड़ के छोड़ दिया जा रहा है, ढंग से पूछताछ नहीं हो रही है। तो मैंने इनको आश्वासन दिलाया कि कल आएँ, पूरी रिपोर्ट इनको हम बताते हैं कि पहले दिन से लेकर 5:30 बजे तक क्या कार्रवाई हुई। पुलिस के प्रति विश्वास रखना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है। अगर आप ये बात कहिए साहब न्याय दीजिए, आप ये मत कहिए कि साहब जो नामजद है वो मिल जाए, आप कहिए साहब न्याय दीजिए, जो दोषी है उनको सजा हो, इस तरह की मांग करिए। इसमें पुलिस हमेशा आपके साथ है, हमेशा पुलिस के संग का कॉपरेट रहा है हमेशा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।